नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए संस्कृत के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 44 के बारे में, और कुल 100 टेस्ट हम करेंगे साथियों। ये 44वां टेस्ट अपना है, 20 जून को आपका पेपर होना है, तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार हो जाएगी साथियों इन टेस्टों से। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और यदि चैनल पर पहली बार पधार रहे हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब। जल्द ही चैनल पर साइकोलॉजी का क्रैश कोर्स का एक ही वीडियो, पूरी साइकोलॉजी करवाई जाएगी एक ही वीडियो में, तो वो जल्दी आपको मिलेगा। संस्कृत की शिक्षण विधियों का भी मैराथन आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले ये गद्यांश आपके सामने दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकृति ही इत्यस्मिन पदे उपसर्गे के, प्रकृति में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? परि, प्र, ति या क्रि? तो चार विकल्प आपके सामने है साथियों, प्रकृति में कौन सा उपसर्ग है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्र उपसर्ग लगा हुआ है साथियों, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है पर्यावरणम इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत, पर्यावरण का आपको संधि विच्छेद करना है, क्या रहेगा साथियों? चार विकल्प आपके सामने हैं, आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखें। तो प्यारे साथियों, 62 नंबर का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा परि प्लस आवरणम, ऑप्शन नंबर जो 3 है साथियों वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और इसमें कौन सी संधि रहेगी? यण संधि रहेगी। कौन सी संधि है साथियों? यण संधि रहेगी। अगला देखिए साथियों, एतेषु अव्यम अस्ति, जो यह है समन्तात् सर्वान् अनेन या विविधे, इनमें से अव्यय पद कौन सा है आपको यह बताना है। ये चार वर्ड आपके सामने दिए गए हैं प्यारे साथियों। तो दोस्तों, 63 नंबर का जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा समन्तात् जो है वह अव्यय पद है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है गद्यांश से पर्यावरणाय विशेषणम प्रयुक्तम अस्ति, गद्यांश में पर्यावरण का विशेषण कौन सा आया हुआ है? चार विकल्प आपके सामने, अस्मभ्यम, रचयन्ति, मानव या परिष्कृतम। तो साथियों, आपको मैं वापस दिखा देता हूँ गद्यांश, ये रहा देखिए, ठीक है ना, आपको यहीं पर आंसर हो सकता है मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा था? 64 नंबर है, उसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 परिष्कृतम, ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है यतते इत्यत्र क लकार प्रयुक्तम, यतते में कौन सा लकार प्रयुक्त हुआ है? चार विकल्प आपके सामने, विधिलिंग लकार, लृट लकार, लट लकार या लोट लकार। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा लट लकार का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, एक पद्यांश आ चुका है, सवाल पूछा गया है सत्य संगति ही इत्यत्र के समास है, सत्य संगति में कौन सा समास है? तो यहाँ पर आपके सामने विकल्प दिए गए हैं तत्पुरुष, अव्यय भाव, द्विगु और बहुव्रीहि, आपको बताना है सत्य संगति में कौन सा समास है। चार विकल्प आपके सामने साथियों, इसमें तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है, षष्ठी तत्पुरुष है, सताम संगति, ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है सत्यम इति कस्मिन लिंगे प्रयुक्तम, सत्यम में कौन सा लिंग है? पुलिंगे, स्त्रीलिंगे, नपुंसकलिंगे या किमपि ने? तो सत्यम जो है वो नपुंसकलिंग रूप है, ऑप्शन नंबर जो 3 है साथियों करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है दिक्षु इत्यत्र कै कारकम, दिक्षु में कौन सा कारक है? कर्ता, करण, अपादानम या अधिकरणम? चार विकल्प आपके सामने मैंने रखे, दिक्षु में कौन सा कारक है? तो साथियों, दिक्षु जो है सप्तम विभक्ति है, इसलिए अधिकरण कारक रहेगा, ऑप्शन नंबर जो 4 है साथियों करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है जाड्यम इत्यत्र कै प्रत्यय, जाड्यम में कौन सा प्रत्यय है? ल्यप, शई, क्यप या ण्यत? चार विकल्प आपके सामने है साथियों, जाड्यम जो शब्द है साथियों, इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा ण्यत प्रत्यय, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला है प्रस्तुत पदे छंदे अस्ति, इसमें छंद बताना है आपको, तो छंद के लिए मैं वापस ले चलता हूँ, ये रहा देखिए, आप वर्ड गिन सकते हैं और इसमें छंद का आपको नाम बताना है कि इसमें कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है।
तो प्रश्न नंबर 70 है, राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? 70 का, 70 नंबर का राइट आंसर रहेगा इसमें वसंत तिलका छंद है साथियों, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, कृष्ण के चारों ओर गोपियां नाच रही है, कृष्ण के चारों ओर गोपियां नाच रही है, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। चार विकल्प आपके सामने अवेलेबल है साथियों, तो साथियों चार विकल्प आपको बताए हैं, राइट आंसर क्या रहेगा 71 नंबर का आपको बताना है, अनुवाद करना है संस्कृत में। तो 71 नंबर का जो राइट आंसर रहेगा वो साथियों रहेगा ऑप्शन नंबर 4, कृष्णम परितः गोपिका नृत्यंती। परितः आया हुआ है तो परितः आता है तो वहाँ पर कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय, तो कृष्ण में द्वितीय लगवाएंगे तो क्या हो जाएगा? कृष्णम बनेगा, तो कृष्णम परितः गोपिका नृत्यंती ये बनेगा बिल्कुल सही आंसर। अगला देखिए, सा विद्यालयम गच्छति इत्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत, सा विद्यालयम गच्छति इसका वाच्य परिवर्तन आपको करना है। चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं साथियों, राइट आंसर अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो साथियों राइट आंसर क्या बनेगा? सा का बन जाएगा तया, विद्यालयम का बन जाएगा विद्यालय है, और गम्यते, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन, तया विद्यालय है गम्यते। अगला देखिए, अनुस्वारस्य उच्चारण स्थानम किम, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ, मूर्धा, नासिका या दंतः, तो राइट आंसर रहेगा नासिका, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, यण प्रत्याहार कै वर्ण भवंती, यण प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? स्वराः, स्पर्शा, अंतःस्था या उष्माण, तो साथियों यण प्रत्याहार में जो है वो आपके अंतःस्थ वर्ण आते हैं कौन कौन से? य, व, र, ल, ये आपके आते हैं अंतःस्थ, और इनको क्या कहते हैं? यण प्रत्याहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? यण प्रत्याहार कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला देखिए, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपेति डॉट 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 रिक्त स्थाने पुरित्वा सुक्तिमिमाम निर्मापयत, आपको सुक्ति भरनी है। तो साथियों 75 नंबर जो है इसका राइट आंसर रहेगा लक्ष्मी ही, ऑप्शन नंबर 1। आगे शिक्षण विधियाँ आ रही है, संस्कृत शिक्षण से उद्देश्यमस्ति, संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य क्या है? अवबोधात्मकम, सृजनात्मकम, ज्ञानात्मकम या उपयुक्तम सर्वम, राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सर्वे, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, छात्राणाम भाव प्रकाशन से सत्य विकास भवति, वाद विवाद विधिना, परायण विधिना, प्रश्नोत्तर विधिना या पाठशाला विधिना, छात्रों का भाव प्रकाशन शक्ति का विकास करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो साथियों 77 नंबर का राइट आंसर रहेगा वाद विवाद विधिना, ऑप्शन नंबर जो 1 है आपका वो करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, रसानुभूति सौंदर्या बोधश्च कस्मिन शिक्षणे भवति, उच्चारण शिक्षणे, व्याकरण शिक्षणे, काव्य शिक्षणे या अनुवाद शिक्षणे, सौंदर्य बोध और रसानुभूति का बोध किस में होता है, किस शिक्षण में होता है? तो साथियों ये काव्य शिक्षण में होता है, या आप इसको पद्य शिक्षण भी बोल सकते हैं। कौन सा शिक्षण बोल सकते हैं? पद्य शिक्षण भी बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका वो करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए, एक शिक्षक है कक्षायाम छात्रान तेषाम बौद्धिक क्षमता अनुसारम पृथक पृथक गृह कार्यम ददाति, अत्र शिक्षकेण कस्य शिक्षण सिद्धांत से अनुसरणम क्रियते, एक शिक्षक जो है कक्षा में छात्रों को उनकी बौद्धिक क्षमता के अनुसार अलग अलग गृह कार्य देता है, शिक्षक जो है कौन से शिक्षण सिद्धांत का अनुसरण कर रहा है? चार विकल्प आपके सामने, क्रियाशीलता या सिद्धांत है, व्यक्तिक विभिन्नता या सिद्धांत है, अनुकरण से सिद्धांत है या बहुमुखी सिद्धांत है? तो साथियों राइट आंसर सीधी सी बात है क्या हो जाएगा? व्यक्तिक विभिन्नता या सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, 80 नंबर, पुनर्बलन कौशल से अपरम नाम किम, पुनर्बलन कौशल जो है उसका दूसरा नाम क्या है? प्रवाह कौशलम, अन्वेषण प्रदान कौशलम, प्रस्तावना कौशलम या प्रश्नोत्तर कौशलम, तो पुनर्बलन जो कौशल है साथियों उसका दूसरा नाम है प्रवाह कौशल, ऑप्शन नंबर जो 1 है वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा। 81 नंबर देखिए, चतुर्विध भाषा कौशलेषु द्वितीय कौशलम अस्ति, चार भाषा के कौशलों में से द्वितीय कौशल कौन सा है?
चार विकल्प आपके सामने, एल एस आर डब्ल्यू में से पूछा गया है दूसरा कौन है, तो स्पीकिंग है, संभाषणम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो। अगला है एतेषु सर्वे साधनम नास्ति, इनमें से सर्वे साधन नहीं है, आकाशवाणी, मानचित्र, ग्रामोफोन या टेप रिकॉर्डर। तो साथियों सर्वे कौन सा नहीं है, मानचित्र नहीं है, क्योंकि मानचित्र कैसा है, दृश्य साधन है। कैसा है, दृश्य। ऑप्शन नंबर दो करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है लेखन कौशल से प्रमुख उद्देश्य मस्ती, चार विकल्प आपके सामने, 83 नंबर का राइट आंसर रहेगा पठित से लिखित अभिव्यक्ति, ये लेखन कौशल का प्रमुख उद्देश्य, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है कक्षा शिक्षण सर्वोत्तम सुलभम दृश्य साधनम वर्तते, कक्षा शिक्षण में सबसे सुलभ जो दृश्य साधन है वो कौन सा माना जाता है, चार विकल्प आपके सामने है साथियों, राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल शाम पट राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर एक, बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला है संस्कृत पाठ्य पुस्तकम भवेत, कक्षा या स्तर अनुकूलम, पुस्तक से भाषा सरला व्याकरण सम्मता चे, गद्य पद्य व्याकरण नाटक कथा नाम समावेश या उपयुक्त सर्वविधम। तो संस्कृत पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, बिल्कुल उपयुक्त सर्वम राइट आंसर रहेगा यहाँ पर, कक्षा के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, भाषा सरल और व्याकरण सम्मत होनी चाहिए, गद्य पद्य व्याकरण नाटक कथा इन सभी का समावेश होना चाहिए, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है एतेषु वस्तुनिष्ठ प्रश्न नास्ति, इनमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार कौन सा नहीं है, तो साथियों लघुत्रात्मक प्रश्न जो है वह आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है, ये निम्नात्मक प्रश्नों की श्रेणी में ही आता है लघुत्रात्मक प्रश्न, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर दो करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है मौखिक परीक्षा या भेदा नास्ति, मौखिक परीक्षा का भेद नहीं है, भेद है भेदा संति, भेद है शलाका परीक्षा, शास्त्रार्थम, भाषणम या सर्वे। तो ये आपसे पूछा गया है कि मौखिक परीक्षा का भेद कौन सा है, तो सर्वे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर चार। 88 नंबर है उपचारात्मक शिक्षणम किम, चार विकल्प आपके सामने, छात्राणाम समस्या दूरी भूता भवन्ति, शिक्षणमिदम समागतव्ये दोषव्य त्रायते, छात्र शिक्षकयो नूतनाम स्फूर्ति जागृति या उपयुक्त कथन त्रयम सत्यम, ये 2016-15 में शायद आया हुआ है, इसका राइट आंसर चौथा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर चार। अगला देखिए 89 नंबर हर्बर्टीय पंचपदी इतिस्मिन विदो एतत् सोपानम नास्ति, हर्बर्ट की पंचपद जो प्रणाली है उसका सोपान नहीं है, चार विकल्प आपके सामने हैं, प्रस्तावना, सामान्यीकरण, उद्देश्य कथन या विषय स्थापना। तो साथियों यहाँ पर उद्देश्य कथन जो है इसमें नहीं बताया गया है, ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से कदा प्रारंभम प्रारब्धम, सतत और व्यापक मूल्यांकन जो CCE है साथियों वो कब प्रारंभ किया गया है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, 2009 में प्रारंभ किया गया है, 6 अक्टूबर 2009 को CBSE ने जो है साथियों कक्षा 9 में जो है ये प्रारंभ कर दिया था, और 2010 में कक्षा 10 में भी लागू कर दिया गया था। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन आपके संस्कृत के मॉडल पेपर नंबर 44 के, आपके संस्कृत के 30 में से आज कितने सही हुए ज़रूर बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, कमेंट करें, मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।